नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। कर्नाटक बंद, एपीएमसी में संशोधन और भूमि सुधार अधिनियमों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। 6 हवाई अड्डों को लीज पर देने की जांच करेगा विमानन मंत्रालय, सीवीसी ने दिया आदेश। शक्तिकांत दास की अगुवाई में 29 सितंबर से शुरू होगा एमपीसी बैठक, रेपो रेट घटने की उम्मीद कम। केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीएफ थॉमस का तिरुवल्ला के निजी अस्पताल में निधन। अजय कुमार की साल भर में ही कांग्रेस में वापसी, कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी में हुए थे शामिल। शिवसेना ने कहा कि किसानों के हित में एनडीए से बाहर आना अकाली दल का सराहनीय फैसला। देश के 7 एयरपोर्ट का रनवे मार्च 2022 तक बनेंगे उन्नत, काम हुआ शुरू। तमिलनाडु में पेरियार प्रतिमा को भगवा रंग से रंगा, पुलिस ने शुरू की जांच। एनएचआरसी ने गृह व स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिवों को जारी किया नोटिस। ओबीसी ने कहा कि जब 1968 में कृषि भूमि विवाद सुलझ गया था तो अब क्यों किया जा रहा है पुनर्जीवित। एनजीटी ने सीवेज ट्रीटमेंट के लिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को दिया निर्देश। उत्तर भारत से 2 दिनों में मॉनसून की वापसी, सामान्य से 9% अधिक हुई बारिश। गुजरात के तट पर हिंद महासागर में डूब रहे कार्गो जहाज से 12 क्रू को कोस्ट गार्ड ने बचाया। पुणे में महिला सहकर्मी से छेड़छाड़ के आरोप में 2 डॉक्टर पर केस दर्ज। सोनिया गांधी व मनमोहन सिंह ने लिखा पत्र, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन पर जताया दुख। संसद के बाद कृषि बिल को अब राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, विपक्ष की अपील बेअसर। महाराष्ट्र में बालू माफियाओं पर नकेल, पालघर की पुलिस ने 8 करोड़ के उपकरण किए जब्त। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा काश कोरोना वैक्सीन की रणनीति पर होती मन की बात। ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, अक्टूबर से खोले जाएंगे सभी पर्यटन स्थल। पंजाब, हरियाणा और यूपी को पराली जलाने से रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। भाजपा के नए राष्ट्रीय सचिव का विवादित बयान, बोले कि मुझे कोरोना हुआ तो ममता बनर्जी को गले लगाऊंगा। एक सदी पुराना क्लब ईस्ट बंगाल आईएसएल में इस साल डेब्यू करेगा, नवंबर से शुरू होगा नया सीजन। पश्चिम बंगाल में केवल 39 रुपए में उठाइए रिवर क्रूज का लुफ्त, 1 अक्टूबर से शुरुआत। बोटास ने जीती रशियन ग्रांड प्री, हैमिल्टन का शुमाकर के रिकॉर्ड 91 की जीत की बराबरी का इंतजार बढ़ा। सिद्ध सिपास को हराकर रुबलेव ने जीता साल का तीसरा खिताब।